नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव यात्रा में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर। गन्नावरम एयरपोर्ट जो है वो विजयवाड़ा के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इलाके में पड़ता है, जहां से आज सीमांध्र इलाके में जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआरसीपी के नेता जगनमोहन रेड्डी आज अपनी चुनाव यात्रा, चुनाव कैंपेन शुरू करने वाले हैं। एक बार दोबारा वो चुनाव कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, 7 मई को इस इलाके में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बस कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। ये भी बता दें आपको कि वाईएसआरसीपी के परिवार के 4 लोग खुद चुनाव मैदान में हैं, 2 विधानसभा में और 2 लोकसभा में उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस इलाके में किस तरह से लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है और किस तरह से वो अपने चुनाव अभियान को चला रहे हैं। आप किस लिए आए हैं? जगन के लिए। देखने से क्या होगा? ये बहुत अच्छा लीडर है, मुझे मालूम है ये जरूर सीएम बनेंगे। वी लाइक वाईएस राजशेखर रेड्डी एज सीएम वेरी मच, दैट्स व्हाई वी केम हियर फॉर सीइंग हिज सन। कांग्रेस पार्टी हैज चीटेड जगनमोहन रेड्डी एंड ही हैज दे हैव थ्रोन हिम इनटू जेल एंड दे हैव सेपरेटेड द आंध्र प्रदेश फ्रॉम तेलंगाना। तो आइए अब सीधे बातचीत करते हैं जगन के साथ। जगन, आज आपने कृष्णा ज़िले में कई जगह पर इलेक्शन कैंपेन किया। हाउ इज़ द पब्लिक मूड एंड हाउ इज़ द कैंपेनिंग गोइंग ऑन? आई थिंक यू आर आल्सो यू आर अ विटनेस टू इट। आई थिंक इट्स बेटर यू बी अ गेज टू इट। आप बोले तो बेहतर है हमारे से बोलने से। मैंने तो देखा पब्लिक किस तरह से आपको लेकर उत्साहित है, जोश में है और किस तरह से आपसे मिलने के लिए बेताब दिखती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पब्लिक का इस समय मूड है, क्या आपको लगता है कि इस मूड का असर वोटिंग मशीन तक जाएगा? लेट्स सी, गॉड इज ग्रेट, सबको मालूम हो जाएगा ना। 4 साल के अंदर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया, खड़ा किया और आज आप जहां पे हैं, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि उनकी फ़ाइट केवल जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी से है, कैसा लगता है? जो भी रिजल्ट्स है, आई थिंक इट विल बी आउट बाय 16th, सो भगवान है, सो आई एम प्रीटी श्योर Results will be extremely good. मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरह का लोगों का सपोर्ट है वो आपको ज़्यादा मदद करेगा या आपकी पॉलिटिकल स्किल आपको जिताने में ज़्यादा मदद करेगी? क्या हमारे को पॉलिटिकल स्किल ही नहीं है? वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल, वी डोंट, आई एम न्यू टू दिस पॉलिटिकल अरेना, आई डोंट हैव अ पॉलिटिकल स्किल as such to say that it's a skill. What I have is a lot of affection in many hearts and God is there watching. दरअसल ये जो पिछले 4 साल 5 साल का वक्त था आपके पिताजी के जाने के बाद से, उस वक्त में आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे पॉलिटिकली, तो वो कौन से हाई एंड लो पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे आपके लिए और क्या मायने रहे? अच्छी पॉइंट यह है कि जब पिताजी सीएम बने दूसरा बार, सेकंड टाइम ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, एंड लोएस्ट पॉइंट यह है कि विद इन 100 डेज आफ्टर दैट ही पास्ड अवे, दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज जस्ट पॉलिटिक्स समहाउ। Somehow Congress Party and Sonia Gandhi could not understand the emotional sentiment what I had towards a word, what I had given at my father's crash site. And then it led to us splitting, parting ways. And then they did not just keep quiet with just the parting of ways.
then they had used their political clout. And 18 months after my father's death, and 2 months after I left the Congress Party, till then my father was an honorable man, till I was in Congress Party, till he was alive. And only after 18 months after I left the Congress Party, and 2 months after I left the 18 months after my father's death, and 2 months after I left the Congress Party, suddenly he became dishonorable. And Congress and TDP, Telugu Desam, both of them came together and used their political clout to do whatever they have done. But of course, ultimately, whatever they could do, it's only that man could only propose. God disposes. So finally, whatever they did, whatever they could do, they did. But ultimately, God is watching. And लेकिन कांग्रेस आपके लिए इतनी revengeful क्यों हो गई? You should ask them. I've done them no harm. You should ask them. Forget it, man. मैं समझ सकती हूँ आपके इमोशंस को. इससे आगे के सवाल ये हैं कि आपके फादर के जाने के बाद एक स्टेट के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया और बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन क्या उनका जो एरिना था या जो उनका एक ऑरा था उसका फ़ायदा आपको इस इलेक्शन में पॉलिटिकली मिल पाएगा, उसका बेनिफिट कुछ मिल पाएगा? सी अल्टीमेटली एक बात है मैम, when I first left Congress Party, it was only myself and my mother. Hum bas do hi the, mai tha aur mere mother tha. We had no other MLA, joyness or covetous. I never thought I'd come this far myself. You never thought? I never thought. It was, everybody said, this is political suicide, what you're doing. Everybody said, you won't even have your symbol come to you. It's only 14 days time. The Congress Party would use their entire might to hit you. And yes, they did. They had 20 ministers parked in my constituency. They had all their might to hit me. And myself and my mom, we walked out of Congress Party. And it was God who was with us. Last time when I first became an MP, as a chief minister's son, my majority was 1,80,000. And second time, against all these odds, 5 lakhs to Uber. God has put me, He's given me a majority of 5.5 lakhs. And incidentally, that 5.5 lakh majority is the highest in 543 MPs in the 15th Lok Sabha. So it was just God who led us all the way. And after that, the 18 by-elections took place. We swept 16 out of 18. Then we had a parliament by-election other than my election. There was another parliament seat what had also come up for by-election. We swept by 3 lakh votes majority. And everything God just led us. And what is your hope for this election? Because this is for Vidhan Sabha and Lok Sabha, both of the, means dono elections is far away. So what is your expectation for this? This time it'll be sweep. It'll be a clean sweep. God would deliver. It'll be a clean sweep. लगातार स्टेट को कई सारे इलेक्शंस देखने पड़े पिछले 45 डेज के अंदर में. म्यूनिसिपल का इलेक्शन हुआ, मंडल का इलेक्शन हुआ, लोकसभा, विधानसभा, सभी के इलेक्शंस हो रहे हैं. तो आपको तैयारी करने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में ज़्यादा मुश्किल आ रही है? नहीं. जो आपके स्टेट में ओपोनेंट्स हैं कहते हैं कि दरअसल आप पावर हंग्री हैं और इसलिए जो है ये सारा सिचुएशन पैदा हुआ. इफ आई वर पावर हंग्री देन आई वुडंट हैव लेफ्ट कांग्रेस पार्टी. इन फैक्ट दैट डे व्हेन आई हैड लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी दे सेड दे विल मेक मी अ सेंट्रल मिनिस्टर. दे आल्सो सेड दे वुड आल्सो later make me the chief minister of a state, of the state. But they said the Odarpu tour what I'm conducting should be stopped. That is the area where
That is the area what I differed with them. I gave a word at my father's crash site that I would go visit every house what had given up their lives for my dad. After my father's death, more than 800 people died out of shock or rather committed suicide. And it was and it demand? And it was no nobody demanded anything. It was just that I went to my father's crash site. There was this huge condolence meeting what was organized. And I just visited my father's crash site, and just 1 kilometer down underneath, there was this huge condolence meeting what took place. And while I was walking down, after seeing my father's chopper pieces everywhere, while I was walking down, the conversation en route was that so many people had died for my father. And that was every day coming in the newspapers. And that was just playing in my mind. And the moment I went on to the stage to address that condolence meeting, it was a huge gathering. I guess in the spur of the moment, I said I'll come and visit every house what had given up their lives for my dad, because they are part of my extended family. This is what I said. And somehow, after I said that, somehow it did not go well with Congress Party. They did not want me to tour. They wanted me to organize all the people who had given up their lives for my dad into one particular, pull them in one district, and you know, do whatever help I want to do. But nobody asked me. Mm-hmm. Nobody asked any help from me. Mm-hmm. It was I who wanted to go to their houses. Mm-hmm. And somehow Communist Party could not understand the sentiment. Mm-hmm. So they wanted me to stop that. And I could not, because that was a word what I had given to at my father's crash site. And if I were to forego that very word what I had given, then I would cease to exist as a human being. So I differed with them. Congress party ne tab bhi logon ka sentiment nahi samjha. Aur kya aapka kehna hai ki Congress party ne ab bhi logon ka sentiment nahi samjha, jiski wajah se Andhra ka batwara ho gaya? Aur kya ye sentiment is election mein haavi hai? See, the Congress party has done all kinds of mistakes. And they will pay for it. It is God who is watching. People of the state are witness to it. And they would teach Congress Party a very fitting lesson. लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने सीमांध्रा की तरफदारी करके अपने अपने वोट बैंक को नाराज कर दिया तेलंगाना में? मतलब तेलंगाना का लॉस आप नहीं झेल रहे हैं अगर आपने सीमांध्रा के पक्ष में बोला या यूनाइटेड आंध्रा के पक्ष में बोला? See, हम लोग सीमांध्र के पक्ष में नहीं बोले माँ, हम लोग यूनाइटेड आंध्रा के पक्ष में बोले. इवन वॉट एवर वी हैव डन, वी बिलीव्ड इन समथिंग दैट यूनाइटेड आंध्रा वुड डिलीवर बेटर. दे हैव सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द स्टेट, बट दे विल नेवर सक्सीड इन स्प्लिटिंग द हार्ट्स. पीपल ऑफ बोथ द रीजन्स वुड स्टे टुगेदर. Any problem what comes to this part of the area, those people would come forward to help. And any problem coming there onto that part, these people would come there to help. But are you separated in heart? But are you not losing Telangana by supporting this United Andhra? See, I always believed in one point. You should never run for votes and seats. Votes and seats should always be a byproduct of what we do. This is what I always believed in, and this is what I will continue to do. Dil ka hum log sachche rahe to Bhagwan deta hai. Ek sachche dil se ye bata dijiye, aakhri sawal mera, ki aap सीमांध्रा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं, आप सीमांध्रा के लोगों के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल दे और जो तमाम एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं वो पूरी कर सके? आप सीमांध्रा को ऐसा क्या देने जा रहे हैं? हम लोग जो हम लोग करने वाले हैं वो सब हम लोग तो बार बार बहुत बार बोल बहुत बार वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट. इट्स ऑलरेडी कम फॉरवर्ड इन द मैनिफेस्टो ऑल्सो. दे हैव सीन माई फादर एट वर्क. And they have hope in me that I would do better. Mm. And now it's time for you to go ask the people. Probably they would say what they see in me.
लेकिन पब्लिक से जब मेरी बात हो रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस समय पॉलिटिक्स में पैसे का बहुत खेल चल रहा है. आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा अनअकाउंटेड मनी यहीं से सीज किया है. तो बहुत सारे वाईएसआर सीपी और टीडीपी के लोग तो एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं इस अनअकाउंटेड मनी के लिए. आप क्या कहें? कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे क्या? कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे क्या? बीजेपी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे क्या? Is that so? No, I'm asking that. That's what I'm asking you. I'm asking you, go to the election commission for yourself, figure out how much of money has been seized, yeah, and which are the parties, which are the sympathizers, mm-hmm, who have been caught with that money. Your question is answered. Okay, I will certainly go there. You will figure out more number of Congress people, more number of Telugu Desam people. All these names you will figure out. Okay. For and yourself. Last question. What is your political aspiration from here? Let's see, man. God is there. Bhagwan dekhta hai. Bhagwan, he is the man. He is God. I mean, he is God. He knows. He writes the destiny. So whatever is written will happen. Let's see. एक आखिरी सवाल जाते जाते, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी सिस्टर भी आपके साथ पॉलिटिक्स में उसी तरह से इन्वॉल्व हैं जैसे आप हैं. आपकी सिस्टर का आपकी पार्टी में क्या फ्यूचर होने जा रहा है? वो आस्कर शी इज नॉट ओनली माय सिस्टर, शी इज माय एल्डर डॉटर. शी मींस अ लॉट टू मी. यू कैन गो आस्कर. श्योर. थैंक यू सो मच. और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जगन. उम्मीद है कि चुनाव के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. तो इस वॉल्वो बस में जगन की ये चुनाव यात्रा लगातार चल रही है. पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना और सीमांध्र के इलाके में वो इसी बस के ज़रिए घूम रहे हैं. आपने देखा इस बस के अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जिसमें खाने पीने से लेकर आराम करने और इसके अलावा लोगों से मिलने जुलने का भी उनके लिए इंतज़ाम किया गया है. आइए चलते हैं आगे की चुनाव यात्रा पर. जगन का कहना है कि चुनाव यात्रा या चुनाव प्रचार तो वो करते हैं जो जनता के बीच में कभी कभी आते हैं. वो तो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं. और यहाँ तक उनका कहना है कि विजयवाड़ा हो या गुंटूर, यहाँ पर वो डेढ़ महीने आकर रह चुके हैं और अभी भी वो एक एक लोगों से मिलते जुलते रहते हैं. हमें जगन का फैन से, जगन का तो हमारे को जान है. जगन के लिए हम जो भी कर सकते, जान भी दे सकते. हाँ, जान भी जा सकते. जगन का फैन हमारा. हमारा वर्ड्स पूरा फैन के थे. यहाँ पे अभी जगन आए थे, देखा आपने उनको? हाँ देखा, दूर से देखा है. पास अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे बोल तो पर्सनली अच्छा नेता होना है. अब दुनिया में अच्छा नेता नहीं है, सब मुश्किल समझने का नेता होना है. उसे उन्होंने अच्छा करेगा बोल के हमें समझते हैं. नया से आए से ना अच्छा करेगा बोल के समझते हैं. और आप क्या चाहती हैं, जगन की सरकार बन जाएगी तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे? तो गरीबों को जरा ये आता है ना, जरा भरोसा मिलेगा, गरीबों को भरोसा मिलेगा. लेकिन जगन की पार्टी ने सबसे ज़्यादा अमीरों को और सबसे ज़्यादा अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया है जीतने के लिए. जीतने के लिए वो हमें नए समय हमारा अच्छा करेगा बोल का हमें समझते हैं और सब हमारे को नहीं. तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि जगन में उनकी जान बसी हुई है. यानी जगन को छूने, जगन को देखने, जगन को महसूस करने, जगन से बात करने, जगन को एक आँख देख लेने, इन तमाम ख्वाहिशों के साथ लोग आ रहे हैं. और जो लोग आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी सुध-बुध, अपना सब कुछ खोकर भी जगन को पाना चाहते हैं. और इसीलिए आप देखें कि किसी ने चप्पल खोया, किसी ने जूते खोए, किसी ने अपना कुछ और खोया, लेकिन खोने के बाद भी लोग इस बात से खुश हैं कि जगन ने उनको दर्शन दिया. 7 मई को वोटिंग होने वाली है और 7 मई को लोगों का ये जुनून क्या रूप लेता है ये तभी पता चलेगा जब 16 मई का नतीजा आएगा. फिलहाल गुंटूर के इस इलाके से कैमरामैन दुष्मंता और धर्मेंद्र के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए.